साथियों, मानवतावादी क्रांति के कार्यालय में चूंकि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, पूरे देश में पूरी दुनिया में मनाई जाती है, कार्यालय में भी सुबह 8 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे बीच में कॉमरेड तुहिन जी जो इस समय दिल्ली में रहते हैं, यहाँ आ गए हैं। जानकारी है आपको कार्यक्रम की, पूरे वो चाहते तो दिल्ली में भी तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ भी रहते, लेकिन ये आए हैं लखनऊ में और लखनऊ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस समय हमारे मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय में मौजूद हैं। आपने पुष्पांजलि अर्पित कर दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर, पुष्प चढ़ा चुके हैं। कॉमरेड, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहुत संक्षेप में, तमाम सारे कार्यक्रमों को आज कवरेज करना है, बहुत संक्षेप में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रासंगिकता है, जन्मदिन है, प्रासंगिकता क्या है, कैसे इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया साथी रामाशंकर भीम जी। असल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का की जो प्रासंगिकता है, वो एक नवजागरण के अग्रदूत रहे, एक महामानव है। उनकी सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि है, उनकी जो देन है, वो है कि समाज में जाति व्यवस्था का उन्मूलन, जाति का विनाश किए बिना भारत में कोई प्रजातंत्र आ नहीं सकता। जहाँ देखो जिस तरफ मुड़ो वो उस तरफ जाति है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था भारतीय जनता के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवादी मनुवाद और दूसरा जो पूंजीवाद। आज हम देखते हैं कि वो जो ब्राह्मणवादी मनुवादी हिंदुत्व के रूप में RSS का वैचारिक आधार है, और ये RSS जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, ये आम मेहनतकशों, दलितों, उत्पीड़ितों का, महिलाओं का, आम जनता का हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये अम्बानी अडानी जैसे जुआड़ी पूंजीपतियों का हिंदू राष्ट्र है, जिसमें जो मनुस्मृति के अनुसार जो दलित, आदिवासी महिलाएं और अल्पसंख्यक, कीड़े मकोड़े या मानव का दर्जा जिन्हें नहीं मिला था, उनको उस दर्जे में पहुँचाने का है। तो इसीलिए साथियों, हमारा ये मानना है कि बाबा साहब के पथ पर चलकर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, जाति का विनाश करना, एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष, जाति विहीन, स्त्री पुरुष समानता पर आधारित एक ऐसा समाज जहाँ इंसान इंसान के बीच भेद न रहे, जहाँ आंसू और भूख की कोई जगह न हो, ऐसा एक सच्चा समतावादी समाज का निर्माण करना, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, शहीद आजम भगत सिंह के पथ पर चलना, यह हम लोग की जिम्मेदारी है। हम इस रास्ते पर आगे ले जाएंगे। कॉमरेड रामाशंकर जी, साथी रामफेर जी, आप सब इस मिशन में लगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद कॉमरेड, क्रांति पर न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भीम यात्रा HCL चौराहे से गंगागंज से होकर के पहुँचेगी कोडरा। इस समय हम मौजूद हैं कुल्ली खेड़ा मोड़ पर, सुल्तानपुर रोड कुल्ली खेड़ा मोड़ पर, और जहां पर संभावित प्रत्याशी गण और सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग मौजूद हैं चलने के लिए HCL चौराहा पर पहुंचने के लिए। HCL चौराहा पर पहुंचने के लिए यहां पर कुल्ली खेड़ा मोड़ पर तमाम नौजवान साथी, तमाम अम्बेडकरवादी लोग अपने झंडे और बैनर और अपनी गाड़ियों के साथ मौजूद हैं। निश्चित रूप से 2 मिनट या 10 मिनट के अंतराल में हम लोग यहां से प्रस्थान करेंगे और पहुँचेंगे HCL चौराहे पर। HCL चौराहे से जुलूस आगे के लिए बढ़ेगा। विनोद जी, कितनी देर बाद निकलने वाले हैं? बस हम मुश्किल से 5 से 10 मिनट में सब भारी संख्या में, कम से कम 200 मोटरसाइकिल संख्या में हम निकल के पहुंच रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि सर लगभग 100-150 गाड़ियों से लोग आ चुके हैं और 10 मिनट बाद यहां से जुलूस निकलने वाला है। जोश तो देखने लायक है, जोश है, उत्साह है, जोश है, महोत्सव है, महापर्व है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन। नौजवानों में भी जोश है, बुजुर्गों में भी जोश है, बच्चे और महिलाएं भी मौजूद हैं। चलेंगे, आप पहुंचेंगे HCL चौराहे पर, HCL चौराहे से फिर रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। साथियों, इस समय हम HCL चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर
यहाँ से जो यात्रा भीम यात्रा निकलने वाली है, जाना है गंगागंज और गंगागंज से वाया वापस आएंगे लोग कोरड़ा चौराहे तक। यहाँ पर तैयारियाँ पूरे जोर से हैं, लोग आ चुके हैं, वाहन आ चुके हैं। हम कवर करते हैं कि देखिए ये जो आपको दिखा पा रहे हैं हम जल्दी जल्दी में कि कितना लंबा काफिला बनने जा रहा है और ये यात्रा निकलने जा रही है। भीम यात्रा में शामिल हैं तमाम महिलाएं, उनके अंदर भी है उत्साह, उनके अंदर भी है जोश, देखने लायक है जोश। देखिए यह तैयार है भीम यात्रा निकलने को, और यहाँ पर जो भीम यात्रा निकलने वाली है यहाँ पर तमाम विश्राम राजपासी जी, केसी सिद्धार्थी, तुहिन जी, तमाम साथी मौजूद हैं। यहाँ पर ये यात्रा ये निकलेगी और यात्रा निश्चित रूप से HCL चौराहे से होकर के गंगागंज जाएगी, गंगागंज से होकर के कोरड़ा में पहुँचेगी। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, और आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित खुरदही कस्बा के पास। आज 14 अप्रैल 2023 को भव्य भीम यात्रा का कार्यक्रम यहां के नगरवासियों ने किया है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे। इतना जोर शोर और उत्साह के साथ में इतना बड़ा आयोजन शायद ही इसके पहले कभी राजनीतिक दलों ने किया होगा। लेकिन ये सबसे विशेषता की बात यह है कि इस भीम यात्रा में सभी वर्ग के, सभी जात धर्म के और सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। यहाँ पर केवल और केवल भीम साहब का जन्मोत्सव मनाने का काम किया जा रहा है। आइए अभी हम आपको एक झलक दिखवाते हैं पूरे जुलूस को, शायद आपको एहसास हो जाएगा कि राजधानी लखनऊ में कितने ज़्यादा लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आइए अभी आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम को। करने दे, आप लोग बहुत ही गलत तरीके से चल रहे हैं, जो तरीका है ये अच्छा नहीं है। कृपया एक कतार में हो जाए, एक कतार में आप लोगों से हाथ जोड़ कर हो जाए, आप लोगों से हाथ जोड़ कर हो जाए। जगत जगत